सो गाइज वेलकम टू साइंसोपीडिया। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आज के टॉपिक में हम पता लगाएंगे कि किस तरह आप बता सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में जो आसूस का मदरबोर्ड है इसमें रैम कौन से स्पेसिफिकेशन का लगेगा। जैसे आप मार्केट में खरीदने जाए तो पता होना चाहिए आपके मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगेगा। तो आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं, मैं निकाल के दिखाता हूँ। तो ये है वेंजियंस का कोरसेर का रैम, 1600 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है, 8GB का रैम है, DDR3। अब इस मदरबोर्ड में मैंने 8GB का रैम लगाया है, क्या मैं 16GB के स्लॉट्स लगा सकता हूँ? तो मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है और मेरा प्रोसेसर कितना मेगाहर्ट्ज सपोर्ट करता है, ताकि जब मैं मार्केट में एक नया रैम खरीदने जाऊँ तो मुझे पता हो कि मुझे कौन सा रैम शॉपकीपर से मांगना है। तो ये सब हम आगे वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके मदरबोर्ड में कौन सा रैम लगेगा और आप करेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हैं कि वो रैम कौन सा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। रैम एनालिसिस के लिए आपको पता होना चाहिए आपका मदरबोर्ड कौन सा है, आपका प्रोसेसर कौन सा है और दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या सपोर्ट कर रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन होगा कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा मदरबोर्ड कौन सा है। मशीन के अंदर लिखा होता है, आपको मशीन खोलना नहीं है। तो देन यू हैव सम कमांड्स फॉर मदरबोर्ड आइडेंटिफिकेशन। जो पहला कमांड है वो है WMIC बेसबैंड गेट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो आप ये कमांड कॉपी कीजिए और आप जाइए कमांड प्रॉम्प्ट में जाइए और इस पर्टिकुलर कमांड को ठीक है। तो आपको पता चल जाता है कि आपका मदरबोर्ड है आसूस टेक का कंप्यूटर INC ZN7A। तो ये आपका मदरबोर्ड है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको ये मदरबोर्ड मिल जाएगा। आप pangoli.com में जाइए, यहाँ पे आपको मदरबोर्ड पेगा। तो ये वाला मदरबोर्ड जैसे मैंने आपको दिखाया था, ये वाला मदरबोर्ड है जो सपोर्टेड है। अब आप नीचे जाएंगे तो आपको देखेंगे कि ये मेमोरी क्या सपोर्ट कर रहा है। ये 1333 मेगाहर्ट्ज़, 1600 मेगाहर्ट्ज़, इतने सारे फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर रहा है। अब हम जाते हैं इस पर्टिकुलर, ये तो हमें मदरबोर्ड के बारे में पता चल गया, हमने पेज खोल लिया। अब लेट्स गो टू द प्रोसेसर। प्रोसेसर भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया था। तो आप कीजिए DX कमांड है, डायग्नोस्टिक्स कमांड है। जब आप ये कमांड रन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आपका मेमोरी जो मैं रैम बोल रहा हूँ करेंटली अटैच इतना है और आपका प्रोसेसर है i5 4670 8K। ये CPU है i5 फोर्थ जनरेशन का CPU है। तो मैंने इसको गूगल में खोला इस पर्टिकुलर को। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको इंटेल के साइट में ये मिल जाएगा। प्रोसेसर डिसकंटिन्यूड प्रोसेसर है। अब आप नीचे आइए तो आपको देखेंगे कि ये क्या क्या सपोर्ट कर रहा है। 1.5 वोल्ट पे 1333 और 1600 सपोर्ट कर रहा है। तो और आपका मदरबोर्ड क्या सपोर्ट कर रहा है, इतने सारे कर रहा है। तो आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट कर रहा है, प्रोसेसर भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये रैम 1333 मेगाहर्ट्ज़ का या 1600 मेगाहर्ट्ज़ का लगाएंगे इस बोर्ड में तो आपका प्रोसेसर भी सपोर्ट करेगा और आपका मदरबोर्ड भी सपोर्ट करेगा। अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके मशीन में क्या लगा है, किस टाइप का मेमोरी चिप लगा है, उसका पोस्टमार्टम करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ये कमांड लिख लीजिए WMIC मेमोरी चिप गेट बैंक लेबल गेट डिवाइस लोकेटर कैपेसिटी स्पीड और एक और आप लिख सकते हैं पार्ट नंबर। सो आप देखेंगे कि चार स्लॉट्स में से मेरे तीन स्लॉट भरे हुए हैं जिसकी कैपेसिटी बाइट्स में है। तो ये 8GB का है, ये 8GB का है, ये 4GB का है। तो 8, 8, 16 और 4, 20। सो ये मेरे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लगे हैं और आप स्पीड देख रहे हैं 1600 मेगाहर्ट्ज़। तीनों 1600 मेगाहर्ट्ज़ के हैं तो सपोर्ट करेंगे। ये 1333 मेगाहर्ट्ज़ के भी हो सकते थे तो ये डिटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है। पर कोई और फ्रीक्वेंसी जैसे आपका मदरबोर्ड सपोर्ट कर रहा है, जैसे ये सब फ्रीक्वेंसीज 2133 2200, आप वो पर्टिकुलर रैम लेके तो आएंगे, आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा पर आपके प्रोसेसर में वो लिमिटेशन है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली यही तरीका है आपको आइडेंटिफाई करने का कि आपका मदरबोर्ड और आपका प्रोसेसर क्या रैम सपोर्ट कर रहा है और मेमोरी किस टाइप का सपोर्ट कर रहा है। जैसे DDR3 ये सपोर्ट कर रहा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा सपोर्ट कर रहा है, DDR3 सपोर्ट करता है। इस तरह आप पता लगा सकते हैं खरीदने जाने से पहले कि आपके मदरबोर्ड की स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन क्या है, इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ जुड़े रहिए साइंसोपीडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।